नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जांगिड, शोल्डर और नी सर्जन, मानसरोवर जयपुर। दोस्तों, हर संडे को आफ्टरनून में मैं आप लोगों के साथ में यूट्यूब लाइव सेशन करता हूं, जिसमें कि पिछली बार हम लोगों ने नी से जो जुड़ी लिगामेंट इंजरी है, मेनिस्कस इंजरी है, कार्टिलेज इंजरी है, इससे जुड़े हुए जो आपके मुझे अलग अलग माध्यम से जो सवाल मिलते रहते हैं, उसके बारे में आप लोगों से मैंने चर्चा करी थी, जिसमें ज़्यादातर जो सवाल थे वो लिगामेंट इंजरी से एसोसिएटेड थे। और इस बार हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस बार हम शोल्डर से जुड़ी जो विभिन्न समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुछ सवाल हैं जो मुझे YouTube और दूसरे माध्यम से ऑलरेडी मिले हुए हैं, और अगर आपका भी मन में कोई सवाल है तो वो आप मुझे अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कर सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब दूँगा। हमारे पास में नी इंजरी से जुड़ा हुआ एक सवाल अभी आया हुआ है एक व्यूअर का, वो मैं सबसे लास्ट में लेना चाहूँगा, क्योंकि आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया वो शोल्डर इंजरी से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से को ये बताना चाहूँगा कि जो शोल्डर है उसमें जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन कौन सी रहती है, और जो मोस्ट कॉमन जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी इंजरी, कौन कौन सी स्पोर्ट्स इंजरी, और क्या क्या कारण हो सकते हैं शोल्डर में समस्याओं के। तो दोस्तों, ये शोल्डर का मॉडल है, तो इसको अगर आप फ्रंट से देखें, ये लेफ्ट साइड का शोल्डर है, तो फ्रंट से आप देखें तो ये आपकी स्केपुला बोन है जो आपकी सेंटर में रहती है, और ये जो दूसरी बोन है, ये जो है, इस बोन को कहते हैं ह्यूमरस, और ये दोनों बोन मिलके एक जॉइंट बनाती है जिसको बोलन सॉकेट जॉइंट कहता है, बोलन सॉकेट जॉइंट। और इसके ऊपर में ये एक हड्डी होती है, इसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, और सामने की साइड में रहता है पॉलिकोइड प्रोसेस। ये जो दो बोन है इनके बीच में से एक टनल बनती है, ये आप देख सकते हैं टनल, इस टनल के बीच में से यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस मसल जाती है, जो आपकी यहाँ पर होती है सुप्रास्पाइनेटस मसल, और ये मसल आपका शोल्डर है, वो इसका इनिशिएट करने में, यहाँ से जो शोल्डर है इसका मूवमेंट है इनिशिएट करने में काम आती है, और इसके बाद में जो डेल्टॉइड मसल है वो इसको पूरा ऊपर लेते हैं। तो शोल्डर मसल की जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो इसको अबडक्शन, मतलब आपका जो हाथ है वो ऊपर की तरफ में साइडवेज लेके जाने में, साइड में लेके जाने में आपकी मदद करती है। अब जो आगे फ्रंट में जो बोन है इसमें ग्रेटर ट्यूबरोसिटी इसको होता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे यहाँ पे जुड़ती है आपकी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे यहाँ पे आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल जुड़ती है, जो आपको इस तरीके से इसको शोल्डर को ऊपर उठाने में मदद करती है, जैसा मैंने आपको बताया ऊपर उठाने में। और इसके ये जो स्केपुला बोन है, स्केपुला बोन के पीछे की तरफ यहाँ से, ये इसके ऊपर वाली साइड से जो टनल में से मैंने आपको बताया, इस टनल में से जो आई वो सुप्रास्पाइनेटस, और जो इंफ्रा, ये जो स्पाइन है, स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनेटस मसल आई, वो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है वो यहाँ से आगे की तरफ में आती है, और इस ह्यूमरस पे इसको बाहर की तरफ घुमाने में मदद करती है, मतलब इसको हाथ को वो ये पीछे की तरफ में लेके जाने में, एक्सटर्नल रोटेशन में, या नीचे की तरफ में आप देखें तो इस तरीके से हाथ को बाहर की तरफ घुमाने में मदद करती है, या तो अबडक्शन में एक्सटर्नल रोटेशन, या आपका इंटरनल रोटेशन जो नॉर्मल पोजिशन उसमें से एक्सटर्नल रोटेशन में आपकी मदद करती है। इसके अलावा मसल होती है सामने की साइड में, जो ये जो आपका प्रोसेस मैंने आपको बताया कोरिकोइड प्रोसेस, इसके नीचे की तरफ रहती है और स्केपुला के आगे की तरफ रहती है, और ये ह्यूमरस पे आगे जाके ये लेसर ट्यूबरकल होता है, यहाँ पे आके जुड़ती है और इसको जो हाथ को अंदर की तरफ घुमाने में मदद करती है। तो ये तो हुई अपनी कंधे की चार मांसपेशियाँ, जिसको अपन कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। तो रोटेटर कफ मसल्स है बेसिकली कंधे को स्टेबलाइज रखने का काम करती है, वो कंधे के सारे फंक्शन भी करती है, जैसे कंधे में आगे की तरफ मूवमेंट, पीछे की तरफ मूवमेंट, और जो बाहर की तरफ मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट भी कंधे के इन रोटेटर कफ मसल्स की वजह से ही होते हैं। अब ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, ये जो आपको मैंने बताया ऊपर की तरफ में जो ये हड्डी रहती है इसको एक्रोमियन प्रोसेस करते हैं, ये सामने की जो हड्डी है क्लेविकल, ये इस तरीके से आगे जुड़ जाती है यहाँ पर शोल्डर के ऊपर में, तो आपका जो शोल्डर का ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं एसी जॉइंट। एसी जॉइंट का मतलब है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, इस दोनों के बीच के जो जॉइंट बनता है उसको
एक्रोमियोक्लेवुलर जॉइंट कहते हैं। इसके साथ में जो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, इसके नीचे का जो स्पेस दिख रहा है आपको, अगर आप देखें तो ये टनल शेप का है, ये एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में जो ये स्पेस देख पा रहे हैं, ये स्पेस जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है, इसको बोलते हैं सब एक्रोमियल स्पेस। ये भी शोल्डर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है और इसमें एक बरसा होता है, और जिसकी आगे जो प्रॉब्लम्स है उसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करूँगा। और अगर आप इसको देखें तो ये है आपका शोल्डर का जॉइंट, तो ये तो है आपके शोल्डर के जॉइंट के अंदर में बोल और सॉकेट, सॉरी ये है आपकी सॉकेट और ये है आपकी बॉल। तो ये जो शोल्डर का जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, लेकिन अगर आप देखें तो सॉकेट का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है, छोटा है, और बॉल का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ये इसलिए होता है ताकि आप मूवमेंट है शोल्डर आप देखें तो शोल्डर जो बॉडी का है सबसे मोबाइल जॉइंट है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट शोल्डर में होते हैं, तो मोबिलिटी है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं आएगी। इसीलिए इसमें जो साइज़ है सॉकेट का वो स्मॉल है और बॉल का साइज़ बड़ा है ताकि मूवमेंट ज़्यादा आए, लेकिन अब इसको स्टेबिलिटी भी देनी पड़ेगी। तो स्टेबिलिटी देने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये तो बनाया मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट के अगर ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली कम होगी। अब स्टेबिलिटी देने के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, अगर आप इसको मॉडल को ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है ये कार्टिलेज है और इसके पूरे एनसर्कलिंग मतलब इस पोर्शन को घिरते हुए यहाँ पे लेब्रम होता है, तो लेब्रम है इसको एक थोड़ा सा डीप करता है, जो सॉकेट है वो बहुत ही स्मॉल है, इसमें कोई डीपनिंग नहीं है, लेकिन ये जो लेब्रम होता है साइड में एक थिकनिंग होती है कैप्सूल की और टिश्यू की जो इसको डीप करती है, तो ये सॉकेट को स्टेबलाइज रखती है इसके ऊपर में जब इसके मूवमेंट होते हैं तब। दूसरा जो मैंने आपको चार मसल्स बताए, सारे मसल्स के अलग अलग फंक्शन बताए, वो भी इसको पूरे तरीके से घेर के रखती है, इस तरीके से पकड़ के रखती है, तो ये जोड़ है वो खिसकता नहीं है। तो मेनली जो स्टेबिलिटी है वो लेब्रम से और रोटेटर कफ जो मसल्स है उससे इसकी स्टेबिलिटी आती है। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है शोल्डर प्रॉब्लम से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। जी हमारे पास में एक पहले से व्यूअर का जो सवाल है वो मैं लेना चाहूँगा कि क्या आपको जो शोल्डर की जो पेन की प्रॉब्लम है वो बिना इंजरी के भी हो सकती है। तो दोस्तों बिना इंजरी के शोल्डर प्रॉब्लम्स होने के जो कारण हैं वो यंग पेशेंट्स में तो डेफिनेटली कम रहते हैं, लेकिन अगर एजेड पेशेंट है तो उसमें काफ़ी सारे कारण हैं जो कि बिना इंजरी के भी हो सकते हैं। जैसे कि एक कारण है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में जो एसी जॉइंट मैंने आपको बताया उसका आर्थराइटिस और ये जो जोड़ है उसका आर्थराइटिस, एक आर्थराइटिस होता है रोटेटर कफ मसल्स की वीकनेस की वजह से, उसको बोलते हैं रोटेटर कफ आर्थराइटिस। तो ये सब जो कारण है, या अगर अपन डायबिटिक या थायराइड के पेशेंट है उसमें काफ़ी पेनफुल शोल्डर हो सकता है अगर फ्रोजन शोल्डर हो जाए, तो इन सब कारण में कोई इंजरी नहीं होती, तो ये बिना इंजरी के भी ये पेनफुल शोल्डर के कुछ कारण जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं कि शोल्डर की समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो जो यंग पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट्स में सामान्यतः जो समस्याएं हैं वो इंजरी के कारण से ही होती है, तो इसमें स्पोर्ट्स इंजरी काफ़ी कॉमन है। और अगर देखें तो ये जो आपको मैंने जॉइंट जो बताया स्पोर्ट्स इंजरी में, ये यंग पेशेंट्स हैं उनमें, ये जो अब आपको मैंने जॉइंट बताया एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो जिसमें ये वाला क्लेविकल बोन और ये पीछे का एक्रोमियन है, तो ये जो सेपरेशन है जिसको एसी जॉइंट सेपरेशन या एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट सेपरेशन बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन इंजरी है। ये अगर आपको डायरेक्ट शोल्डर पे आप गिर जाते हैं तो हो सकती है, कोई मोटर बाइसिकल एक्सीडेंट में हो सकता है, या आप आउटस्ट्रेच हैंड जैसे बाहर की तरफ में आपका हाथ है और आप उसके ऊपर में गिर जाते हैं तो भी ये एसी जॉइंट जो है वो इंजरी हो सकती है। और सामान्यतः जो बहुत कम ग्रेड की इंजरी होती है ग्रेड 3 तक, वो अपन नॉर्मली एक स्लिंग रखते हैं 3 से 4 वीक तक, वो उसमें ठीक हो जाती है। और इससे अगर ज़्यादा की इंजरी जिसमें जो क्लेविकल बोन है वो काफ़ी ऊपर उठ गई है, ये जो आपकी हड्डी वाली बोन है ये जो हड्डी है क्लेविकल ये इस जॉइंट से काफ़ी ऊपर उठी हुई है, तो उस केस में अपन को सर्जरी भी करनी पड़ सकती है जिसमें ये यहाँ का जो लिगामेंट है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है उसका रिकन्स्ट्रक्शन अपन को करना पड़ता है। इसके बाद में जो दूसरी प्रॉब्लम कॉमन है यंग पेशेंट्स में वो है टेंडिनाइटिस।
तो टेंडिनाइटिस है वो बिकॉज ओवर यूज़ करते हैं, इसकी वजह से मतलब जो स्ट्रेस है वो टेंडन्स पे काफ़ी रहता है ज़्यादा वर्कलोड की वजह से। तो यंग पेशेंट्स के अंदर में टेंडिनाइटिस मतलब जो टेंडन्स है, जो मसल्स का जो पार्ट है जो बोन का टेस्ट करते हैं उसको टेंडन कहते हैं। तो टेंडन में जो सूजन है वो काफ़ी कारणों से आ सकती है, ओवर यूज या कोई स्ट्रेस इंजरी की वजह से हो सकता है। ये कौन कौन से टेंडन्स में कॉमन है, ये सामान्यतः कोई से टेंडन में भी हो सकता है जो मैंने आपको गिनाए, सबस्कैपुलरिस में भी हो सकता है जो आगे फ्रंट की मसल है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर नॉर्मली बहुत ही कम पेशेंट्स में होता है। बाइसेप्स टेंडन का जो टेंडिनाइटिस है वो काफ़ी कॉमन है यंग पेशेंट्स के अंदर में। और बाइसेप्स टेंडन में जो दूसरी टाइप की इंजरी टेंडिनाइटिस के अलावा मतलब जो टेंडन में सूजन है उसके अलावा होती है स्लैप लेजन। स्लैप लीजन में क्या होता है दोस्तों कि बाइसेप्स आपका ये जो मसल्स है इसको बाइसेप्स कहते हैं, और ये बाइसेप्स अंदर जोड़ के अंदर में जाके यहाँ अंदर अटैच होता है। तो अगर इस जोड़ को अगर आप देखें तो इस जोड़ के ये ऊपर अटैच होता है, यहाँ पर जो लेबरम मैंने आपको बताया, जो फ्रंट में आपको मैंने लेबरम बताया, इस लेबरम के यहाँ पर अटैच होता है ये बाइसेप्स आके। तो ये बाइसेप्स जैसे ही आप कोई ओवर यूज एक्टिविटी करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन करते हैं तो ये जो लेबरम है उसको वहाँ से उखाड़ लेता है, वहाँ से लेबरम है वो टूट जाता है। तो उस केस में होता यह है कि जो लेबरम है वो आगे से पीछे की तरफ में नॉर्मली टूटता है, तो उसको बोलते हैं स्लैप लीजन। सुपीरियर लेबरम एंटीरियर टू पोस्टीरियर लीजन, मतलब आगे से पीछे की तरफ में लेबरम टूट जाता है। इसकी भी ग्रेडिंग है, शुरू के 2-3 ग्रेडिंग तक अपन कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं, उसके बाद में फिर अपन को अगर ज़्यादा ग्रेड का होता है तो इसमें भी स्लैप लीजन में भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब जो तीसरी बड़ी ही कॉमन और जो आम समस्या है वो जो यंग पेशेंट्स है उसमें काफ़ी कॉमन है, वो है शोल्डर डिसलोकेशंस। तो दोस्तों शोल्डर डिसलोकेशन है वो यंग पेशेंट्स के अंदर में जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उन लोगों में भी हो सकता है, और ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, जैसे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, कोई और एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें भी हो सकता है। बट स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जिसमें जैसे पहलवानी कुश्ती करते हैं आप और आप कोई दाव लगा रहे हो तो उस समय में भी काफ़ी कॉमन है कि आपका शोल्डर है कंधा है वो उतर जाए। और यंग पेशेंट्स, स्पेशली यंग पेशेंट्स के बारे में कहना चाहूँगा कि एक बार अगर कंधा उतरा है तो फर्स्ट टाइम तो अपन कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, मतलब स्लिंग वगैरह देखें, उसको स्लिंग 3 वीक के लिए रेस्ट दे देते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6-8 वीक के अंदर में। उसका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो जाने के बाद में अगर उसको रिकरेंट डिसलोकेशन मतलब बार बार डिसलोकेशन नहीं होता है तो वो वापस अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। बट मोस्टली ये देखा गया है या अपनी जो स्टडीज़ हैं उसमें क्लियर कट ये है कि यंग पेशेंट्स में अगर 15 ईयर्स की एज है तो 90%, और अगर आपकी 25 साल की उम्र है 25 ईयर्स है तो आपका 70%, 35 पे 50%, और 45 पे अराउंड 15% के आसपास में आपको चांसेस रह जाते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन। तो आप जितने आप यंग हैं उतना ही रिकरेंट डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको एक पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर में बताऊँगा कि यंग पेशेंट्स के अंदर में रिकरेंट डिसलोकेशन बार बार या क्यों होता है ये मैं आपको बताऊँगा, और ये मॉडल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लेबरम मैंने आपको बताया इस लेबरम के ऊपर में और ये दोनों को जोड़ने के लिए इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जो इस जोड़ को स्टेबल रखता है, जो मूवमेंट लिमिट करता है। कैप्सूल वो लेबरम पे जुड़ा होता है और इधर वाली साइड में ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, ये जो शाइनी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके इस कॉर्नर पर जुड़ा होता है। तो आपका जो कंधा है वो सामान्यतः इस पोजिशन के अंदर में करता है, मतलब एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन बाहर की तरफ में, अगर इससे पोजीशन होता है इसी में टेस्ट करते हैं, अगर इस पोजीशन में बाहर की तरफ में जाता है तो कंधा है आपके उतरने के चांसेस 99% जो है वो एंटीरियर डिसलोकेशन होता है। तो इस पोजीशन में उतरने के चांसेस होते हैं। इस पोजीशन में एक्चुअली होता क्या है, इस पोजीशन में ये जो आपका कंधा है ये लेफ्ट साइड का कंधा ये इस पोजीशन में आता है, एग्जैक्टली इस पोजीशन में जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो बोन है आपकी ये आपका यहाँ रगड़ खाएगा तो ये आगे की साइड का और नीचे की साइड का, इसको बोलते हैं एंटीरो इन्फीरियर लेबरम। तो एंटीरो इन्फीरियर लेबरम है वो टूट जाएगा, इसको बोलते हैं बैंक कार्टिलेज।
ये सबसे पहले बैंकार्ट ने डिस्क्राइब किया था कि ऐसा होता है ये मैकेनिज्म में, इसलिए इसको बैंकार्ट लीजन कहते हैं। तो बैंकार्ट लीजन के अंदर में ये जो बोन भी यहाँ से निकल सकती है इस पोजिशन से, या कैप्सूल या लेब्रम, ये तीनों चीज़ें निकल सकते हैं। तो इस पे अगर लेब्रम और कैप्सूल निकला जाए तो सॉफ्ट टिश्यू बैंकार्ट कहते हैं, और अगर बोन यहाँ से निकल गई तो उसको बोनी बैंकार्ट कहते हैं। ट्रीटमेंट दोनों का अगर इनिशियल इंजरी है तो दोनों का सेम ही रहता है, अगर क्रोनिक है तो उसमें फिर दूसरा विकल्प अपने पास में रहता है जैसे लिटराइजर सर्जरी का। और अगर आप इसमें ये देखें कि इस पोजीशन में गए आगे तो ये जो हड्डी है ये इधर इसकी, ये इससे टकराएगी आगे जाके, इससे भी ज़्यादा डिसलोकेट हो गया तो यहाँ पे जो खड्डा बन जाता है इस ह्यूमरस के ऊपर उसको कहते हैं हिल सैक्स लीजन। तो ये जो दोनों लीजन हैं वो टिपिकली बताते हैं एंटेरो इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। और इसका जो टिपिकल जो ट्रीटमेंट अपन करते हैं वो यंग पेशेंट्स में 90% चांसेस रहते हैं कि अपन को सर्जरी करवानी पड़ेगी। ओल्ड एज पेशेंट अगर 50 के बाद हो गए तो कंजर्वेटिव रिहेबिलिटेशन वगैरह एक्सरसाइजेस से, मसल स्ट्रेंथनिंग और जॉइंट प्रिपरेशन, इन सबसे मोस्टली जो ओल्ड एज पेशेंट है वो इससे ठीक हो जाते हैं। और यंग पेशेंट्स में अगर 15 से 25 साल की उम्र है तो 70-80% चांस रहेंगे कि आपको रिकरेंट डिसलोकेशन होगा और आपको जो रिकरेंट डिसलोकेशन की सर्जरी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो रिकरेंट डिसलोकेशन की सर्जरी में हम करते क्या हैं, हम रिकरेंट डिसलोकेशन की सर्जरी में जो मैंने आपको लीजन बताया जो एंटेरो इन्फीरियर बैंकार्ट लीजन है, यहाँ पर जो कैप्सूल यहाँ से टूट के अलग हो गया उधर वाली साइड से, उसको स्टिच करते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे स्टिच लेते हैं सबसे पहले, और दूसरा स्टिच यहाँ, तीसरा स्टिच यहाँ, तो ये तीन स्टिच यहाँ पे लेते हैं अपन। और ये तीन स्टिच लेने के लिए अपने तीन ही स्टिच बाहर आते हैं, तो जिसमें एक छेद से तो दूरबीन शोल्डर के अंदर जाती है और आगे की तरफ में दो छोटे से जहाँ से इंस्ट्रूमेंट और जो सूचर्स हैं वो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सर्जरी है। अगर आप इसको इस सर्जरी को अगर अपनी बाहर में देखना चाहें तो मान लीजिए कि आपको स्किन में कुछ छोटा सा कट लग गया है जिसमें आप तीन स्टिच लेते हैं, इतनी ही सर्जरी अंदर की जाती है। बट ये सर्जरी क्योंकि बहुत डीप की जाती है, और अगर आपके जो डीप बिल्कुल जो जोड़ के अंदर का पार्ट है वहाँ पे की जाती है, इसलिए ये सर्जरी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। लेकिन जो अपनी आर्थरोस्कोपिक एडवांसमेंट में, आर्थरोस्कोपी की जो नई नई टेक्निक्स है उससे ये जो सर्जरी है वो इस तरीके से कर पाना अभी संभव हुआ है। इससे पहले ये जो सर्जरी है वो पूरे यहाँ पे पूरा लंबा चीरा लगा के और खोल के की जाती थी, जिसमें कि शोल्डर के जाम होने के और उसमें इन्फेक्शन होने के, स्टिफ हो जाने के, पेन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन अब ये सर्जरी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन स्टिच बाहर आते हैं, तीन स्टिच अंदर आते हैं। तो जैसे स्किन पे एक सामान्य छोटा कट लगा, आपने तीन स्टिच लिए, इतना ही इस सर्जरी के अंदर में किया जाता है। जो रिकवरी है इस सर्जरी रिकरेंट डिसलोकेशन की बैंकार्ट सर्जरी के बाद में, वो 3 वीक तक तो आपको स्लिंग में रखा जाता है, बिल्कुल आपका हाथ ऐसे रहता है जिससे जो रिपेयर किया वो हील हो जाए। उसके बाद में आपके पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है जो अप्रोक्सीमेटली 6 वीक तक चलती है। 6 वीक के बाद में आपकी एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, वो फर्दर 3 वीक चलती है। इससे 9 to 12 वीक के बीच में आपके लिए एक्टिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, और आप 3 to 4 months के बीच में वापस नॉर्मली, अगर आपकी बाकी जो ट्रेनिंग है स्पोर्ट की वो भी हो गई है स्टार्ट एट अराउंड 2.5 months, तो 3 to 4 months के बीच में वापस अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस जिनमें जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो, या कोई थ्रोइंग एथलीट हो, या बहुत ही यंग पेशेंट हो, या कोई बोनी इंजरी बहुत ज़्यादा हो, जैसे अराउंड जो कट ऑफ मार्जिन रखा गया है बोनी इंजरी के लिए वो अगर आपका 15% से ज़्यादा का बोनी मार्जिन है, तो बोनी जो इंजरी है वो 15% से ज़्यादा है तो एक अलग सर्जरी अपने को करनी पड़ती है। ये जो सर्जरी है वो हालांकि अराउंड 80-90% सक्सेसफुल है, बट जो लटारदे सर्जरी है वो इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल है इसमें। तो ये लटारदे सर्जरी के अंदर में क्या किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। लटारदे सर्जरी के अंदर में ये जो आपको मैंने बताया कि सामने कोरिकोड प्रोसेस होता है, और इसके ऊपर में दो मसल्स यहाँ पे कोरिको ब्रेकियलिस और शॉर्टहेड ऑफ बाइसेप्स यहाँ पे जुड़ी होती है। तो अपन इस सर्जरी में, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे मैंने आपको बताया कि एंट्रो इन्फीरियर जो पार्ट है इसमें अप्रोक्सीमेटली 15% से ज़्यादा का बोन लॉस हो गया, तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ये अपनी ख़त्म हो जाएगी, तो इसको बनाने के लिए वापस अपने को बोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोकली यहाँ पर ये बोन अवेलेबल है, तो कोरिकोड प्रोसेस की ये वाला और
आप देख पाएं तो ये वाला कॉर्टिकल प्रोसेस, तो इसको अपन कट कर लेते हैं यहाँ तक, इतना कट करके इसका जो फ्लैट एंड है इसको अपन यहाँ लगा देते हैं। तो ये तीन तरीके से काम करता है, एक तो बोन हो गई, दूसरा इसके साथ में एक लिगामेंट अटैच्ड होता है, उस लिगामेंट को अपन कैप्सूल से जोड़ देते हैं तो कैप्सूलर रिकंस्ट्रक्शन हो गया, वापस कैप्सूल बन गया जो अपन वैनगार्ड सर्जरी में करते हैं वो। और तीसरा इसमें जो दो मसल्स अटैच हैं जो सोटाडो बाइसेप्स और कोरिकोबेगलिस, वो एक स्लिंग प्रोवाइड करती है, मतलब जैसे ही आपका हाथ इस पोजिशन में जाता है तो ये जो मसल्स हैं जो पहले इस तरीके से थी, ये आपके वर्टिकल थी, ये जो ट्रांसफ़र के बाद में इस पोजिशन में ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो ये आप जैसे ही इससे ज़्यादा पुश करते हो तो ये जो मसल्स है इसको बाहर नहीं आने देते। तो इसमें तीन प्रोटेक्शन है, तो स्पेशली जो पेशेंट्स में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है या जो बहुत ही हैवी वेट हैं या जिसमें प्रीवियस वैनगार्ड फेल सर्जरी है या जिसमें बोन लॉस है वो 15% से ज़्यादा है, तो इन पेशेंट्स के अंदर में अपन लेटरल सर्जरी करते हैं। दोनों ही सक्सेसफुल सर्जरी है बट दोनों के डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, और अगर इंडिकेटेड सर्जरी की जाएगी तो रिजल्ट डेफिनेटली बेटर आएंगे। तो दोस्तों ये थी बेसिकली जानकारी कि यंग पेशेंट्स के अंदर में शोल्डर जो पेन है या शोल्डर इंजरीज है उसके क्या क्या कारण है और उसमें बेसिकली अपने मोटे मोटे तौर पे क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब एज ए ब्रेक में एक पेशेंट्स का क्वेश्चन लेना चाहूँगा। जी सचिन बोलान, इनका क्वेश्चन भी मैं अंत में लेना चाहूँगा। अजीत बेग मिर्जा, इनका भी नी इंजरी से एसोसिएट क्वेश्चन है तो मैं इनका क्वेश्चन अंत में लेना चाहूँगा। जो हमारे पुराने क्वेश्चंस हैं उसी के शोल्डर इंजरी से रिलेटेड है वो मैं भेज लेता हूँ। एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि शोल्डर डिसलोकेशन उसको हो गया है तो कैसे पता लगेगा कि कंधा उतर गया है। तो अगर आपका फ्रेश शोल्डर डिसलोकेशन है तो आपको जो शोल्डर है उसमें सीवियर पेन होगा और आपकी जो कंधा है वो बिल्कुल इस तरीके से अटक जाएगा एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर में। वो पोजीशन है वो नॉर्मली इस पोजीशन में जाता है तो ये इस पोजीशन के अंदर में ही आपका हाथ ये रह जाएगा और डिफॉर्मिटी हो जाएगी और उस हाथ को आप मूव नहीं कर पाओगे। अगर आपको सिंपल टेस्ट करना है कि मेरा कंधा उतर गया या नहीं उतर गया तो आप अपने कंधे जो ये हैंड है इस हाथ को अगर आप यहाँ तक ले जा पाते हैं, दूसरी हाथ तक ले पाते हैं तो आपका कंधा नहीं उतरा डेफिनेटली। जो कंधा उतर जाएगा तो आप दूसरी तरफ नहीं ले पाएंगे। ये बहुत ही सीवियरली पेनफुल कंडीशन होती है, स्वेलिंग आ जाती है इसमें, और जैसे ही कंधा है वापस चढ़ा दिया जाता है। नॉर्मली मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप जनरल एनेस्थीसिया में मतलब बेहोशी के साथ में बेहोश होने करने के बाद में ही कंधा है वो वापस चढ़वाएं। जैसे आप पहलवान से या किसी दूसरे व्यक्ति से अगर कंधा ऐसे ही चढ़ा लेते हैं तो एक इंजरी तो आपकी शोल्डर डिसलोकेशन में हुई, और यंग पेशेंट आप अगर हैं तो आपके डिसलोकेशन के बार बार डिसलोकेशन के चांसेस फिर से ज़्यादा हैं, और दूसरी इंजरी जब आप उसको वापस चढ़ाएंगे तो जो मांसपेशियां वो और भी ब्रेक होगी तो आपके बार बार कंधा उतरने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप जनरल एनेस्थीसिया में बेहोशी के में अगर आप कंधा वापस चढ़ाया जाएगा तो जो रिकरेंट डिसलोकेशन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे क्योंकि दूसरी इंजरी उसमें नहीं हो पड़ी है। इसलिए बेटर है कि जनरल एनेस्थीसिया में ही शोल्डर डिसलोकेशन का रिडक्शन किया जाए। दोस्तों आज की जो चर्चा है उसी में मैं आगे कंटिन्यू करते हुए जो एजेड पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र है वो 45 से ज़्यादा हो गई है, उन लोगों के में जो मेन जो शोल्डर्स की प्रॉब्लम है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कि जो जॉइंट मैंने आपको बताया इसमें कि जो एसी जॉइंट है, जो एक्रोमिक्लोविकुलर जॉइंट है, मतलब ये कंधे का जोड़ तो ये रहा और इसकी टिप पे जो जॉइंट है जो क्लेविकल और पीछे के एक्रोमियम के बीच में है, ये जॉइंट भी आपकी जो लोडिंग एक्टिविटीज है मतलब आप इसको एक्टिव रखते हैं अपनी यंग एज में फिर ओल्ड एज तक वो एक्टिव रहता है। जैसे घुटने अपने लोड की वजह से गिर जाते हैं, सिमिलरली अपने जो कंधे का ये जोड़ है ये भी घिस जाता है और जो
एसी जॉइंट है वो भी घिसता है, बिल्नो ह्यूमरल जॉइंट है जो मैंने आपको नीचे के बताया जोड़ी, दोनों ही जोड़ घिस जाते हैं। तो एसी जॉइंट है वो घिसने के बाद में इसमें इस पॉइंट पे आपको पेन रहता है, नाइट पेन भी आपको रह सकता है। अगर एसी जॉइंट घिसने की वजह से अगर नीचे की साइड में हड्डी पड़ गई है तो आपको कंधा ऊपर करने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कंधा ऊपर आप कर ही नहीं सकते हैं। और नाइट पेन मतलब रात को आपकी जो नींद है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगी, कंधे को आपको बहुत ही पकड़ के रखना पड़ेगा, इस साइड करवट लेके सोने में आपको बहुत सीवियर पेन रहेगा अगर आपको एसी जॉइंट आर्थराइटिस हो गया है तो। एसी जॉइंट आर्थराइटिस के साथ में क्योंकि ये जो जॉइंट है मैंने आपको बताया इसके जस्ट नीचे मैंने आपको स्पेस बताया सब एक्रोमियल स्पेस, तो जो सब एक्रोमियल स्पेस है उसमें वो जो हड्डी है वो नीचे आ जाती है, तो इसमें जो नीचे की मसल्स है सुप्रा स्पाइनेटस मसल और जो सब एक्रोमियल बर्सा है इस मसल के ऊपर का जो पोर्शन है इनमें सूजन आ जाती है, मसल में टेयर स्टार्ट हो जाते हैं, मसल के डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट मतलब ये जो ऊपर करते ही सीवियर पेन की शिकायत भी रह सकती है, और जब आपके टेयर है वो कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको ऊपर करने में भी कंधा ऊपर करने में भी दिक्कत आएगी, और अगर आपके मसल्स जो पीछे की मसल है इनमें टेयर हो गया है तो रोटेशन भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है इस एज के अंदर में वो रहती है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की, मतलब जो फ्रोजन शोल्डर जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं। आमतौर पे जो सामान्य जो फिजिशियन डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या पेशेंट्स हैं वो कंधे की एज रिलेटेड सभी समस्याओं को एक ही कैटेगरी में वो यही कहते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए शोल्डर में। 5 तरह के डायग्नोसिस हैं 45 केस के बाद में, लेकिन पेशेंट डायरेक्टली आपको एक ही बात आके बोलेगा कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया। पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बेसिस पे अपना डायग्नोसिस आगे डिसाइड होगा। तो इसमें एसी जॉइंट का पेन हो गया, दूसरा है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर डायबिटिक और जो थायराइड के पेशेंट्स उनमें काफ़ी कॉमन रहता है। फ्रोजन शोल्डर कंधे की वो बीमारी है जिसमें जो कंधे का कैप्सूल मैंने आपको बताया जो फट जाता है यंग पेशेंट में डिसलोकेशन में, वो किन्हीं कारणों से उसमें सूजन आ जाती है और वो चिपकने लग जाता है और वो टाइट हो जाता है। तो मरीज़ को रहता है स्टार्टिंग फेज में सीवियर पेन, जो नाइट पेन भी रहता है, मतलब रात को भी सोते टाइम पे बहुत सीवियर पेन रहता है। मूवमेंट है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होते जाते हैं, और जो ये कंडीशन है वो नॉर्मल आमतौर पे सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, कुछ समय के बाद में अपने आप ठीक हो जाती है। पीरियड है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी पेशेंट में 6 महीने किसी पेशेंट में 1.5 साल भी लग सकता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो पेन की है, सेकंड स्टेज है वो स्टिफनेस की है, और थर्ड स्टेज है वो है रिजोल्यूशन की। तो अगर फर्स्ट स्टेज में जब पेन है तो आपने अगर पेन कम करवा लिया, पेन कम कराने के लिए फिजिकल थेरेपी जैसे पेन मॉडलिटीज, अल्ट्रासोनिक वेव थेरेपी, टेंस और जो आपके आइस का सेक है इनसे पेन कम रखना, एनाल्जेसिक से पेन कम रखना। पेन कम रख लिया आपने, उसके बाद में सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है स्टिफनेस की, जो दोनों साथ में चल रही होती है। उसके बाद में अगर पेन कम है तो आप अगर एक्सरसाइज कर लोगे अपनी तो जो स्टिफनेस की फेज है वो स्टिफनेस जकड़न नहीं आएगी, और जकड़ा कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो रिजोल्यूशन की फेज है वो बड़ी फास्ट आ जाएगी। इस तरीके से जो इस जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी है इसका जो पीरियड है वो शॉर्ट किया जा सकता है, लिमिट ही अपने आप होती है। अगर आप मान लो पेन की स्टेज आपकी चली गई और स्टिफनेस फेज में आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, एक्सरसाइज नहीं किया, तो आपका पेन तो चला जाएगा टाइम के साथ, लेकिन जो मूवमेंट है वो चले जाएंगे। मूवमेंट है वो बिना एक्सरसाइज वापस गेन नहीं किए जा सकते हैं, हालांकि पेन है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसमें कुछ समय के बाद में पेन है वो आपका चला जाता है। इसके बाद में जो प्रॉब्लम अपने बड़ी कॉमन है एज के अंदर में, जो एजेड पेशेंट है उनके अंदर में, वो है रोटेटर कफ टेयर्स। तो रोटेटर कफ टेयर है एक तो जो एज रिलेटेड डीजनरेशन होता है उसका पार्ट हो सकता है, एक रोटेटर कफ टेयर है जो स्लाइटली यंगर एज है जहाँ 40 से 60 के बीच में है, तो उन पेशेंट्स में ऑलरेडी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है डीजनरेशन की वजह से। रोटेटर कफ जो मसल्स मैंने आपको बताई वो अगर उसमें माइनर छोटा मोटा ट्रोमा भी हो जाए, छोटी मोटी चोट भी लग जाए, तो उस वजह से भी जो रोटेटर कफ है उसमें टेयर स्टार्ट हो सकता है। इनिशियल लेवल पे अगर रोटेटर कफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट जो टेयर हुआ है पार्शियल टेयर ही है, तो उन पेशेंट्स में फिजिकल थेरेपी है, एक्सरसाइजेज है, इनसे काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन अगर जो टेयर है रोटेटर कफ मसल्स का वो एडवांस होता जा रहा है, आपने ट्रीटमेंट इग्नोर किया है, तो उस केस में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों रोटेटर कफ मसल्स के जो सिम्टम क्या रहते हैं, सबसे पहली बात तो ये ओल्ड एज को अफेक्ट करता है, मोस्ट कॉमनली ज़्यादा सिम्टोमेटिक लोग रहते हैं 60 से ऊपर,
कुछ केसेस में 45 से ऊपर भी हो सकता है। सीवियर पेन रहता है, पेन आपका अराउंड शोल्डर जॉइंट रहता है, और ये रेफर्ड हो सकता है आपकी आर्म को, मोस्ट कॉमनली इस एरिया तक रेफर्ड होता है। कुछ केसेस में यह हाथ के नीचे तक, यहाँ तक भी आ सकता है। वेरी स्पेसिफिक जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इससे एसोसिएट है वो है नाइट पेन। रात को आपको सीवियर पेन होगा, क्योंकि आप जब लेट जाते हैं तो ये जो आपका स्पेस है जो आपको मैंने बताया ये कम हो जाता है, और ये हड्डी आपस में टकराने लग जाती है, इसकी वजह से आपको रात को सीवियर पेन रहता है। इनिशियल लेवल पे जब आप रोटेटर कफ टेयर की शुरुआत ही आपको रहती है, तो अपन फिजिकल थेरेपी जो मैंने आपको बताई वो सारी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में अगर फिर भी पेन है तो इसमें पीआरपी इंजेक्शन लगाया जा सकता है पेन रिलीफ के लिए, और अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपका आपकी जो सर्जरी है वो आर्थरोस्कोपी से दूरबीन से करनी पड़ सकती है। सो जो आर्थरोस्कोपी से दूरबीन से सर्जरी करते हैं उसमें हम करते क्या है, ये जो मसल्स है ये आपकी, मैंने आपको बताया कि इस टनल के अंदर में से यहाँ से आई और ये आगे जाके जुड़ती है ये स्टोब्रोसिटी के ऊपर इस तरीके से। तो इस केस में होता क्या है कि ये जो यहाँ पे जुड़ रही है ये टूट के यहाँ से ये यहाँ खिसक जाती है और ऐसा गैप हो जाता है। तो इसमें हम इसको वापस यहाँ पे चिपकाने का काम करते हैं। वो काम कैसे किया जाता है कि जो बोन के स्क्रूज होते हैं जिसको अपन एंकर्स बोलते हैं वो यहाँ पे डाले जाते हैं, जैसे जो टेयर का साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, 1, 2, 3 कितने भी यूज किए जा सकते हैं। तो वो यहाँ पे डाल दिए जाते हैं अंदर हड्डी में, उसके ऊपर में धागे लगे होते हैं जो धागे ऐसे निकल जाते हैं। अगेन जो रेशा है उसको अपन जैसे बैंकार्ड सर्जरी में सूचक किया, मतलब बैंकार्ड सर्जरी में जो टाँके लिए सेम वही टाँके लेके इसको यहाँ फिक्स कर दिया जाता है वापस। अब इसको फिक्स करने के बाद में इसको कुछ दिन तक रेस्ट देना पड़ता है, 3 से 4 वीक तक आपको हाथ को ऐसे बांध के रखना पड़ेगा। फिर आपकी जो पैसिव एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो आपकी 2 से 3 वीक तक चलेगी, उसके बाद में आपकी एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज चलेगी, और उसके बाद में आपकी एक्टिव एक्सरसाइजेज तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मंथ का पीरियड ये अगेन फिर रहेगा रोटेटर कफ और जो बैंकार्ड सर्जरी, उसमें जिसमें आपका शोल्डर का रिहैब होगा और आपका जो पेन से है जो आपको नाइट पेन है ये मोस्टली जो सर्जरी के इमिडिएटली ही पेशेंट्स को रिलीव हो जाता है। लेकिन क्योंकि अपन इसमें कंधे को थोड़ा बांध के रखते हैं, थोड़ा इमोबिलाइज रखते हैं, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है वो रह सकती है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एजड पेशेंट्स में रहती है। और अगर ये रोटेटर कफ जो इंजरी है ये बहुत प्रॉब्लम रह जाए, इसको आप बहुत इग्नोर करते रहे, जैसे 60 की एज में आपको रोटेटर कफ इंजरी हुई, अपने 5-7 साल इसको इग्नोर कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रोटेटर कफ मसल्स का काम होता है इसको अपनी जगह पे रखना। तो ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ में चली जाएगी आपकी, तो ये इस जो बोन है एक्रोमियन से इससे रगड़ खाएगी, तो इसमें और इसमें रगड़ खाने से रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी, मतलब यहाँ पे भी घिसावट हो जाएगी, इधर भी घिसावट हो जाएगी। इस एंड स्टेज को कहते हैं रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी। ये काफ़ी सीवियरली पेनफुल कंडीशन होते हैं, आपके सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, नाइट पेन सीवियर रहता है, आप कंधे को बिल्कुल भी ऊपर नहीं कर पाते हैं। ये एंड स्टेज डिजीज़ के अंदर में अपने को करना पड़ता है सर्जरी, और ये जो सर्जरी रहती है इसको कहते हैं रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों नॉर्मल जो आर्थराइटिस होता है जैसे घुटनों में और जो कंधे में होता है, अगर उस घिसावट की वजह से आर्थराइटिस है तो उसमें अपन जो सर्जरी करते हैं उसको कहते हैं टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट। और जो ये रोटेटर कफ मसल्स की वजह से जो एडवांस आर्थराइटिस हो जाता है जिसमें ऊपर का जोड़ भी इन्वॉल्व है नीचे का जोड़ भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में क्योंकि आपकी जो रोटेटर कफ मसल्स है वो काम नहीं कर रही है, तो उस केस में जो रोटेटर कफ मसल्स के सारे फंक्शन हैं वो जो बाहर ये मसल है डेल्टॉइड मसल इसको देने पड़ते हैं, तो वो जो सर्जरी की जाती है उसको कहते हैं रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट क्या किया जाता है दोस्तों, कि ये जो है वो सॉकेट है, इस सॉकेट की जगह पे बॉल बनाई जाती है इस तरीके से, और जहाँ पे ये बॉल है वहाँ पर उल्टा सॉकेट बनाया जाता है, तो ये रिवर्स हो गया। इसका जो रिवर्स करने से जो फ़ायदा ये रहता है कि जो रोटेटर कफ मसल्स डेफिशिएंट है उनकी जरूरत नहीं रहती, और जो डेल्टॉइड मसल है वो अराउंड 75-80% फंक्शंस जो है वो शोल्डर जॉइंट का अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये जो काफ़ी एडवांस सर्जरी है जो अभी जयपुर में हो रही है, हमारे पास में समन मिर्जा जी का क्वेश्चन है कि मोस्टली जो इस सवाल से तो सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन वाकिफ हैं कि
जो सारे पेशेंट्स हैं वो पहलवान से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ये समन मिर्जा जी का क्वेश्चन है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहलवान से ट्रीटमेंट कराने का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में सिर्फ इस वजह से है कि वो उनको इजीली अवेलेबल रहते हैं, अप्रोचेबल रहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि ये जो पहलवान है वो बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट करते हैं ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक जो ट्रीटमेंट आप पहलवान के पास में लोगे तो वो आपको हो सकता है कि 5 बार करवाना पड़े, लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास में लो तो आपके 80-90% चांसेस तो है कि आप ठीक हो जाओगे। 10% केसेस हैं वो हो सकता है कि वहाँ भी ठीक नहीं हो, लेकिन 90% पेशेंट्स हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहलवान के पास में ये नहीं है कि आप ठीक हो पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सचिन बोलान जी का। सचिन बोलान जी का क्वेश्चन है, वो नी इंजरी से जुड़ा हुआ है और इन्होंने मुझे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं कि ये रनिंग करते हैं, 22 ईयर्स इनकी एज है। तो सचिन जी, मैंने आपके जो सवाल है उसका जवाब देते हुए कहा था कि जो यंग पेशेंट्स हैं उसमें जो सामान्यतः जो रनिंग स्पोर्ट्स इंजरी के बाद में जो नी पेन हो सकता है वो सिन पेन सबसे कॉमन है। जो पेस्ट टेंडनाइटिस है, मतलब जो आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन है जो हड्डी पे जुड़ते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसका टेंडनाइटिस हो सकता है, पैटलर टेंडन का टेंडनाइटिस हो सकता है, कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो सकती है, रेडली मेनिस्कस में भी हो सकती है, ईसीएल में भी हो सकती है। लेकिन जब तक आप अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपके घुटने को चेक नहीं किया जाता कि आपके घुटने में एक्चुअली प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है, कौन सी एनाटॉमिक लोकेशन है, जैसे आपको मैंने कंधे में बताया कि ये इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर में, वैसे ही घुटने में उसके आगे नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आपके कंधे का सॉरी घुटने का एग्जामिनेशन नहीं किया जाता तब तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको 2 साल से प्रॉब्लम है, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम है। तो बेटर है कि आप अगर यहाँ पे आ सकते हैं हमारे पास में तो हमारे पास में आए, नहीं तो जो आपके पास में नी एक्सपर्ट अवेलेबल है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको दिखाएं। उसके बाद में अगर कोई क्लिनिकल फाइंडिंग्स आती है या कोई अपना इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसके बेसिस पे कुछ कह पाना फिर भी थोड़ा बहुत मुमकिन होगा। लेकिन इस तरीके से सिर्फ आपके कंप्लेंट्स के बेसिस पे पुरानी क्रोनिक इंजरी का डायग्नोसिस कर पाना बड़ा मुश्किल है। अजीज़ बेग मिर्ज़ा जी, अजीज़ बेग मिर्ज़ा साहब का क्वेश्चन है कि मुझे 2 साल पहले नी की इंजरी हुई थी और विदाउट सर्जरी आई एम एबल टू वॉक, बट अभी तक पेन है, मतलब अभी भी इनको पेन है। तो अजीज़ मिर्ज़ा जी, मेरे पास में ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि आपको किस तरह की इंजरी हुई थी और आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव क्यों रहा, और मतलब आपने जो ऑपरेशन बोले बिना सर्जरी के ही मैं चल पा रहा हूँ लेकिन पेन रहता है आपको, तो अगर आपको पेन है तो इसका मतलब कोई ना कोई जो जो इश्यू है उसमें वो अनएड्रेस रह गया है। तो आपको इसके लिए दिखाना पड़ेगा हमें, और आपके जो प्रीवियस स्कैंस है, मतलब आपके एक्सरे एमआरआई रिपोर्ट्स है वो भी हमें देखने पड़ेंगे, रिव्यू करने पड़ेंगे। तो आप जब दिखाएंगे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बेटर कह पाऊँगा। जी दोस्तों, आज मैंने आपको शोल्डर इंजरी से रिलेटेड जो कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सारी जानकारी दी है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी एक ऑनलाइन पोल मैंने जनरेट किया हुआ है कि जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या होना चाहिए, तो ये जो पोल है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से टॉपिक रखे हैं। एक टॉपिक तो इसमें है कार्टिलेज इंजरी का, जिस पे अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला है कि कार्टिलेज इंजरी पे नेक्स्ट अपना जो टॉक है वो रखिए। एक एसीएल इंजरी पे रखा हुआ है, तो आप इसमें वोटिंग करके मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट जो टॉक है वो किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे चाहिए। तो नेक्स्ट संडे को हम लोग उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
यस, इस कॉल में हमने चार टॉपिक शामिल किए हैं, एसीएल इंजरी, कार्टिलेज इंजरी, शोल्डर पेन और शोल्डर डिसलोकेशन। तो शोल्डर पेन और शोल्डर डिसलोकेशन पे आज हम चर्चा कर चुके हैं और सभी लोगों ने कार्टिलेज इंजरी को वोट किया है। तो अभी भी अगर आप चाहें तो एसीएल इंजरी पे चर्चा करना चाहें तो एसीएल इंजरी की जो वोटिंग है वो बढ़ाएंगे, तो मैं एसीएल इंजरी पे भी नेक्स्ट जो टॉक है वो अपनी रख सकता हूँ। सो दोस्तों, आज के जो जितने व्यूअर्स थे उनके जो सवाल हैं वो मैंने मोस्टली आंसर कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।